बियॉन्ड बियर का नारा लगाते हुए पहुंच गई है एबी इनबेव इंडियन मार्केट में बियॉन्ड देयर प्रीमियम एंड मैग्नम बियर टूवर्ड्स इंडिया मार्केट के लिए एक विस्की लेकर। इसका नाम है बडवाइजर मैग्नम डबल बैरल। नया साल, नए बाल, नया माल। आज हम बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स के, ये किस कास्ट में मैच्योर हुई है, इसकी नोजिंग और टेस्टिंग कैसी है एंड वेदर इट इज़ वर्थ योर मनी। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, चैनल का नाम बदल चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। जो पुराने दर्शक हैं उनको मालूम है कि चैनल का नाम द क्यूरेटेड लाइफस्टाइल है। ये नाम अभी भी कंटिन्यू करेगा एज अ पेरेंट नेम, परंतु इसके अंडर हम शुरू करेंगे अपना नया चैनल जिसका नाम है मधुशाला द अल्कोहल एकेडमी। मेरा स्वरूप, मेरा अवतार रहेगा सेम, मैं हूं आपका मदिरा मित्र आशीष, आपका होस्ट और आपका दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका केस, जानेंगे आज इस विस्की के सारे पहलू। केस को सामने देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ बडवाइजर मैग्नम डबल बैरल ब्लेंडेड अमेरिकन विस्की, नीचे एबी का बहुत सुंदर सिग्नेचर है जो उनका स्टैंडर्ड बडवाइजर लिखने का फॉन्ट है। उसी फॉन्ट में इन्होंने सुंदर तरीके से गोल्ड में फैला के लिखा हुआ है बडवाइजर। देखेंगे तीन ही दिन कलर का प्रयोग, ब्लैक गोल्ड एंड व्हाइट, यहाँ पर रियल एस्टेट का उतना उपयोग नहीं हुआ है। तीसरी तरफ बहुत अच्छी बातें बताते हैं, इसका जो ब्लेंड है प्राइमरली दो विस्की से आता है, अमेरिकन कॉर्न विस्की और इंडियन सिंगल मॉल्ट। जो अमेरिकन कॉर्न विस्की है वो वाइट ओक कास्ट में से पहले बार मैच्योर होती है फर्स्ट फिल वाले, और जो इंडियन सिंगल मॉल्ट है वो आती है एक्स बर्बन से। नीचे यहाँ पर उन्होंने नोज टेस्ट फिनिश बताया है जो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो एंकर करता है हमें। फाइनली घुमा के देखेंगे कि भैया इस ये बनी कहाँ पर है और इसके निर्माता कौन है। पहली बात, 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, 75% प्रूफ है, 750 ml की बॉटल है। इंग्रेडिएंट पे नज़र दौड़ाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर है डीमिनरलाइज्ड वाटर, ग्रीन न्यूट्रल स्पिरिट, मैच्योर माल्ट स्पिरिट, अमेरिकन कॉर्न विस्की कॉन्सेंट्रेट, परमिटेड नेचुरल कलर्स 150A। इंटरेस्टिंग बात यह है जो आपको दिख रहा होगा, ब्लेंडेड एंड बॉटल्ड इन जॉन डिस्टिलरी, माने जो कि पॉल जॉन बनाते हैं वही इसको भी ब्लेंड कर रहे हैं, इसी को बॉटल कर रहे हैं। ये इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मार्केट कर रही है एबी इनबेव ग्रुप, तो विस्की किसकी हुई। फाइनली नीचे पढ़ते हैं कि दाम क्या था। मैंने ये गोवा से ली थी, मुझे ये पड़ी थी तकरीबन 1800 रुपये में। बैच देखिएगा, बैच नंबर 1 है सितंबर की 45 है इसकी, और जगह पर भी ये लॉन्च हुई है, अगर आपको मिलेगी जरूर ट्राई करें। इतना ही केस के बारे में, अच्छी है परंतु और कैसे अच्छी हो सकती थी मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए बॉटल को देखते हैं, अपेक्षाएं क्या होनी चाहिए हमारे बॉटल की। अरे कहाँ से खुलेगी भाई, इसकी टोपी को भी ऐसे खोला जाएगा और निकालते हैं बॉटल को, केस को करते हैं परे। चलिए बॉटल की तरफ बढ़ते हैं। बॉटल देखने में काफ़ी स्टैंडर्ड है, ना ही जिराफ ना ही एलिफेंट, मिड रेंज में आती है ये, सुंदर लग रही है। इनका जो यहाँ पर कलर स्कीम है वो चेंज नहीं हुआ है, सेम टू सेम ब्लैक गोल्ड एंड वाइट। जो बातें सामने लिखी हुई थी वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है, मैग्नम डबल बैरल सिग्नेचर, 1876 से इनकी क्राफ्टमैनशिप है, यही सब बातें जो केस में थी वो भी वही यहाँ पर बता रहे हैं। पीछे देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ नहीं बदलता है, बता रहे हैं कि कितना वॉल्यूम है, कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स हैं, और नॉर्मल जो बातें आती हैं किसी भी बॉटल पे वो बताई गई हैं, और नीचे प्राइस की बात की गई है। केस और बॉटल में उतनी कोई शानदार बात नहीं है, बाय इटसेल्फ ठीक ठाक है और भी बढ़िया हो सकती थी। तो जानते ही होंगे बडवाइजर बियर का जो ओवरऑल विश्व में कंजम्पशन है सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है, और इसी वजह से शायद एबी इनबेव ने सोचा यहाँ पर एक विस्की भी ट्राई करें, देखते जरूर सक्सेसफुल हो ही जाएगी। केस देखा हमने, बॉटल देखी, अभी इसकी करनी है नोजिंग। बहुत ही बढ़िया बात एक ये है कि इन्होंने दिया है एक कॉर्क जिसका था पॉप। वाव, बहुत ही बढ़िया। देखिए मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, विस्की में मज़ा आने वाला लगता है मेरे को। बहुत सुंदर रंग है, इसमें कलर ऐड किया गया था जी, कलर ऐड किया गया है तो रंग पर उतना ध्यान नहीं देंगे, बट वैसे बहुत ही लाइट कलर है। डबल बैरल इसका मतलब है इसके फ्लेवर में एक स्मूथनेस आनी चाहिए, क्रीमीनेस आनी चाहिए और हल्का सा मेलो टेस्ट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है नोसिंग में। जितना परसेंटेज अल्कोहल था, 42.8% अल्कोहल पे है, 75 प्रूफ पे है। बहुत ही ताबड़तोड़ नोसिंग है इसकी। एवर सो स्लाइटली अल्कोहल विफ, वनीला एक बहुत बढ़िया आ रहा है, साथ में आ रहा है एक ओक, एक वुडी सा टेक्स्ट, वुडी सा एक नोट आ रहा है इसका नोसिंग में। हाँ सुपर मैन, हल्का सा फ्रूट है, राइप बनाना पेयर का एक नोट आ रहा है।
बैक ऑफ द नोट में एक सिट्रस सा एक फ्रेग्रेंस इसमें आ रही है। एवर सो स्लाइट स्मोकीनेस एक ग्रीन के ऊपर के आ रही है इसमें से। ओह वाओ मैन, लवली लवली ऑन द नोज। अभी करेंगे इसकी टेस्टिंग, पता लगाएंगे कि जितना बढ़िया इसका नोज है क्या उतना बढ़िया इसका टेस्ट भी है कि नहीं। हमेशा की तरह एक छोटा सा सिप लेंगे टिप पर। वुडी नोट, मॉल्ट, एकदम हल्का सा लाइट स्मोक, स्वीट ऑन द पैलेट, क्रीमी, डबल पैरल होने की वजह से क्रीमनेस आ जाती है जो कि इस विस्की में है। कॉर्न विस्की कॉम्पोनेंट होने की वजह से एक स्वीटनेस भी ऊपर के आ रही है और लवली कुछ स्पाइसेस भी आ रहे हैं। एक मोटा सा पिक लेते हैं। टैंगीनेस टंग पे, टिप पे, पैलेट पे, इट्स क्वाइट अ माउथफुल, लॉन्ग फिनिश है। कार्डमन का हल्का सा एक टेस्ट आ रहा है, डार्क चॉकलेट, मीट पी सकते हैं इसको। मैं डिल्यूट नहीं करूंगा, मैं शायद थोड़ा अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो मे बी फ्रूट्स और स्पाइसेस थोड़े उभर के आएंगे, बट मैं डाइल्यूट नहीं करूंगा, मैं इसको नीट पीना चाहूंगा। बहुत ही सॉलिड ब्लेंड बनाया है बनाने वाले ने, जस्ट लवली। चलिए निष्कर्ष पे चलते हैं। आज हमने देखा बडवाइजर मैग्नम डबल बैरल विस्की, जो कॉम्पोनेंट जिसके अमेरिकन कॉर्न विस्की एंड इंडियन सिंगल मॉल्ट की विस्की, जिसको बाद में फिर से मैच्योर किया जाता है, मैरी किया जाता है बैरल्स में। केस इनका थोड़ा और स्टैंड आउट कर सकता था। मेरा मानना है कि अगर ये अपना प्रीवियस सक्सेस जो चल रहा है बियर जो उनकी सिल्वर और रेड में आती है उसी का केस बनाते तो ये स्टैंड आउट कर जाती एक काउंटर पे, क्योंकि जब मैं भी गोवा में इसको ढूंढ रहा था मुझे मिली नहीं थी, क्योंकि सामने थी बट दिख नहीं रही थी, उतना किसी केस स्टैंड आउट नहीं हो रहा था। बॉटल भी काफ़ी स्टैंडर्ड है, केस और बॉटल में कुछ खासियत नहीं है, परंतु दोस्तों जो इसके अंदर माल है ज़बरदस्त है, नोसिंग हो जाए या टेस्टिंग हो जाए टॉप क्लास का माल है। मैं कहूँगा कि अगर जो आपने पुरानी ज़माने में अगर टीचर्स हाइलैंड क्रीम पी है उसको तोड़ देखिए, मतलब बहुत ही बढ़िया ब्लेंड बनाया इन्होंने। गोवा में ये 1800 की है, महाराष्ट्र में 2800 की है, जब तक ये बैंगलोर आएगी तब तक ये पता नहीं 4000 की हो जाएगी। अगर आपके स्टेट में जब भी आती है ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। मेरा ये मानना है कि अगर आप एक सीजन्ड अल्कोहल कंज्यूमर है, विस्की कंज्यूमर है, तो आपको ये पक्का पक्का पसंद आएगी। अगर आप बिगिनर तो शायद आप उसके नुवांसेस पकड़ नहीं पाएंगे, बट अगर आप एडवांस विस्की कंज्यूमर हैं तो पक्का आपको ये पसंद आएगी। शो को सराहना देते रहिए, प्रोत्साहन दीजिए, मैं आता रहूँगा फिर से। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चीयर्स।